तो नमस्कार दोस्तों, आज के मैं वीडियो में लेकर आया हूं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा क्लास चल रहा है सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, हम लोग आज समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग रूल्स। आज हम लोग दोस्तों जो वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के रूल क्या होते हैं, मतलब कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे रिपेयर किया जाएगा, सॉफ्टवेयर रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, या किसी भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आने वाली समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो लेकर गया हूँ ये सारा हमारा फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में आप फ्लैशिंग कैसे करेंगे, मतलब मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है, कि कोई भी हैंडसेट आता है उस हैंडसेट में आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे, या हैंग लोगों को शिकायत है तो उसमें आप मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करेंगे, या एक्स वाई जेड अगर ऐसे सॉफ्टवेयर संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ। अच्छा, ये जितने भी सारी वीडियो है आप लोग वीडियो को देखें, ये सारी क्लास स्टेप बाय स्टेप क्लासेस पढ़ रही है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जिसमें आपको नॉर्मली मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को कैसे ठीक किया जाएगा वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आप ये सीख सकें कि कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, या उस मोबाइल फोन में फ्लैश कैसे किया जाएगा, उसका तरीका हम लोग दोस्तों आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ITK स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है ऐसे रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं और सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों वे में हम आपको सिखाते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जैसे टॉपिक होने वाला है कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर के लिए रूल क्या होता है। सॉफ्टवेयर रूल का मतलब होता है आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर करने का नियम क्या होता है। कोई इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर करने के दो तरीके कॉन्सेप्ट बने होते हैं, एक तो ब्रांड वाइज होता है कि सैमसंग के हिसाब से सॉफ्टवेयर किया जाएगा, MI के हिसाब से सॉफ्टवेयर किया जाएगा, या मोबाइल फोन में चिपसेट के हिसाब से सॉफ्टवेयर किया जाएगा। चिपसेट का मतलब जो CPU है, क्वालिकॉम, MediaTek, SVD, ऐसे ज्यादातर देखा जाए तो हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर करने का तरीका होता है वो CPU के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है दोस्तों? CPU के हिसाब से। तो आपको CPU पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आप सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सको और मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर में आने वाली प्रॉब्लम को रिपेयर कर सको या उनकी प्रॉब्लम को आप ठीक कर सको। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और समझते हैं कि कोई भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे डाल सकते हैं, उसको नियम को समझेंगे। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं अगर आप उस मोबाइल फोन को तो सॉफ्टवेयर करने के लिए मैं आपको पूरा नियम बताता हूं और आप दोस्तों जितने भी सारे नियम है सारे नियम को स्टेप बाय स्टेप समझें, जिसके माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ 80% आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को ठीक कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो आपको समझ में आती है तो उसको कॉपी में जरूर नोट करें। अगर आप इसको अच्छे से नोट करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा। चलिए हम लोग दोस्तों अपने टॉपिक ऊपर चलते हैं। सॉफ्टवेयर करने के लिए हमारे पांच नियम होते हैं, पांच नियम ऐसे पांच ऐसे नियम होते हैं जिस नियम को फॉलो करना होता है जिसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी मोबाइल फोन होता है जिस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहला रूल्स होता है आपको ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ड्राइवर के बारे में, कि मतलब मोबाइल फोन में ड्राइवर का क्या उपयोग है और ड्राइवर के माध्यम से हमारे जितने भी सारे मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन को कनेक्ट किया जाता है। देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देता हूं, ड्राइवर फोन को कनेक्ट कराता है। ड्राइवर क्या काम करता है? मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराता है। जितने भी ड्राइवर होते हैं सारे मोबाइल फोन को कंप्यूटर से क्या किया जाता है? कनेक्ट कराता। ड्राइवर का काम क्या होता है? मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराना। तो हम लोग को सबसे पहली बात जो समझना पड़ेगा, हमको ड्राइवर के बारे में समझना पड़ेगा। ड्राइवर फोन को सिस्टम से कनेक्ट कराता है। ड्राइवर के बाद फिर हमको समझना पड़ेगा फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल का मतलब होता है
कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में से फ्लैश फाइल का मतलब होता है मोबाइल फोन का ओएस, यानी मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर जो मोबाइल फोन का पूरे मोबाइल फोन को चलाता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश फाइल बोलते हैं। उसके बाद यह फोन को चलाता है, मतलब फोन को ऑपरेट करता है। उसके बाद तीसरी चीज आता है फ्लैश टूल, फ्लैश टूल मतलब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर फ्लैश टूल क्या होता है, एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का मतलब होता है माध्यम। फ्लैश टूल क्या होता है, एक माध्यम होता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल आते हैं। मैं अभी इन सब चीजों के बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा। तो फ्लैश टूल क्या होता है, एक माध्यम होता है जो हमारे मोबाइल फोन में से फ्लैश करने में मदद करता है। उसके बाद आता है बूट की। बूट की हमारे फोन में क्या होता है, हिडन बटन होती है। बूट की का मतलब क्या होता है, हिडन बटन। एक हमारे मोबाइल फोन में अंदर ऐसी हिडन बटन होती है, छुपी हुई बटन होती है, जिसके माध्यम से हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट होने में हेल्प होता है। मतलब कोई भी जब मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट कराते तो जब तक बटन नहीं दबाओगे तब तक मोबाइल फोन नहीं कनेक्ट होने वाला। तो पहली चीज, तो बूट की क्या काम करती है, मोबाइल फोन को कनेक्ट कराता है, मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद पांचवी चीज, सॉफ्टवेयर लोड करने का तरीका। लोड कैसे करेंगे किसी भी मोबाइल फोन में, सॉफ्टवेयर लोड करने का सिस्टम क्या होता है, कैसे आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर लोड कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब ये पांचों नियम को फॉलो करेंगे या पांचों रूल्स को फॉलो करते हैं तभी हम लोग मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाते हैं। अगर हम पांचों नियम को नहीं फॉलो करेंगे तो फ्लैशिंग नहीं कर पाएंगे। तो जब हम लोग जितने भी सारे रूल्स होते हैं इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तभी हम मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर पाएंगे, नहीं तो हम किसी भी मोबाइल फोन में बेसिकली हम लोग जनरली तरीके से फ्लैशिंग नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर करने के लिए दोस्तों आपको इन पांच नियम का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ड्राइवर फोन को सिस्टम का कनेक्ट कराता है। दूसरी बात क्या होता है, फ्लैश फाइल या मोबाइल फोन का ओएस होता है जो पूरे मोबाइल फोन को चलाता है, पूरे मोबाइल फोन को ऑपरेट करता है। उसके बाद आता है फ्लैश टूल। फ्लैश टूल क्या होता है, एक माध्यम होता है जो हमारे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का काम करता है। मीडिएटर होता है जिसके माध्यम से मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। उसके बाद बूट की। बूट की हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक हिडन बटन होती है जिस बटन को प्रेस करने से हम मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाते हैं। और सॉफ्टवेयर लोड करने का तरीका, जो सॉफ्टवेयर लोड करने का सिस्टम क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी फाइल किसमें लोड होती है, सैमसंग में कौन सी फाइल लोड होती है, क्वालिकॉम में कौन सी फाइल लोड होती है, मीडियाटेक में कौन सी फाइल लोड होती है, एसपीडी में कौन सी फाइल लोड होती है, मतलब फाइल लोड करने का तरीका क्या होता है, उन सभी चीजों को जब हम लोग समझेंगे तो तब हम लोग इस सॉफ्टवेयर के नियम को पूरा समझ पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर करने के लिए, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए हमारा बेसिकली चार नियम बने हैं। चारों नियम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एक एक करके जो भी मोबाइल फोन आता है सारे मोबाइल फोन में हम लोग सॉफ्टवेयर करेंगे। तो दोस्तों ये जितने भी सारी वीडियो हैं, ये सारी वीडियो देखें, ये सारी वीडियो आपके ट्रेनिंग पर्पस पे ही वीडियो हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं या सॉफ्टवेयर में आने वाली सारी समस्याओं को आप मोबाइल फोन में ठीक कर सकते हैं। और इसी लेवल तक की अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को सीख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी सारे दूर से बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो सब लोगों को रहने की सारी सुविधा होती है, हॉस्टल फैसिलिटीज होती है, सारे बच्चे रह करके आराम से सीख करके जाते हैं। एक एक करके उनको प्रैक्टिकली वे में सब चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को कैसे बनाया जाएगा, मोबाइल फोन बनाने का तरीका क्या होता है, उनका स्टेप क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके जितने भी सारे टॉपिक बताए हैं सारे टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में आपको वीडियो दूंगा और इसके आगे के भी आप वीडियो को देखें ताकि वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकें और वीडियो के माध्यम से जो मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकें। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि मैंने आपको जो भी वीडियो दिया है वो वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीख भी रहे हैं और आने वाली मोबाइल फोन की समस्याओं को भी रिपेयर कर पाएंगे। अब मैं आगे के वीडियो में, मैं आगे के टॉपिक में मैं आपको ड्राइवर के बारे में बताऊंगा कि ड्राइवर का हमारे मोबाइल फोन में क्या उपयोग होता है और ड्राइवर के माध्यम से मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाता है और ड्राइवर का कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल से जुड़े
और वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो को अगर आपको समझ में आ रही है तो उसके बारे में नोट भी करें और वीडियो को अपने स्टोरी पे भी लगाएं। और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर पे जो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें और कोर्स सीखने के लिए इन्फॉर्मेशन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने के लिए थैंक यू।